अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ कैरेट लड्डू। यानी ये लड्डू जो मैंने बनाया है वो गाजर से बनाई है और इसके अंदर मावा स्टफ्ड है। यानी जब आप इसे कट करेंगे या बाइट करेंगे तो इसके अंदर खोए की स्टफिंग होगी। ये देखिए, मैंने लड्डू को बीच से कट किया है तो ये इस तरीके से इसका लुक आता है। ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और उसके बाद इस पैन में मैं ऐड करूँगी घी। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून घी डालूँगी। जो नॉर्मल बड़ा चम्मच होता है उससे मैं 2 चम्मच यहाँ पे घी ली हूँ। जब ये घी अच्छे से मेल्ट हो जाए यानी जब पिघल जाए तो उसमें मैं 2 इलायची तोड़ के मैं डाल रही हूँ इसमें। और उसके बाद इसको 30 सेकेंड इसी में रहने देंगे और ऐड करेंगे कैरेट। तो यहाँ मैंने गाजर को धो के और उसे ग्रेट कर लिया है, यानी कि कद्दूकस कर लिया है। तो अभी मैं इसको घी में डाल दूँगी। ये बिल्कुल फ्रेश जो गाजर होती है उसको यूज़ करें जिसमें क्रंच हो। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे घी में, इसको अच्छे से भून लेंगे। इसे 3 से 4 मिनट लगेगा इसको फुल फ्लेम पे घी में भून ले, क्योंकि अगर इसे आप लो फ्लेम पे करेंगे तो ये पानी छोड़ेगा। अब मैं इसमें डालूँगी दूध। यहाँ पे मैं 2 कप दूध लूँगी, यानी कि ये यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर ली थी तो इसमें मैं 2 कप दूध डाल रही हूँ। अब इसे लिड लगा देंगे और इसे पकने देंगे ताकि अच्छे से कैरेट गल जाए। जब गाजर अच्छे से भुन जाए और इसका जितना पानी है वो सूख जाए तो उसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो यहाँ पानी सुखाने के बाद मैं यहाँ चीनी ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ मेजरिंग कप से। तो इसको डालने के बाद ये फिर से थोड़ा वाटरी हो जाएगा, तो इसको डालने के बाद इसे फिर से भुनना है और तब तक जब तक कि ये जितना भी पानी है वो सूख ना जाए। तो मैंने ये पानी सुखाने के बाद इसे एक बोल में निकाल लिया है। इसको ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे ताकि जो इसके अंदर से भाप है निकल जाए और स्टफिंग ठंडी हो जाए। साथ में मैंने कोकोनट पाउडर लिया है थोड़ा सा, इसकी गार्निशिंग करने के लिए, ऊपर से थोड़ा सा कोट करने के लिए को अपने लड्डुओं को। और उसके बाद मैंने यहाँ पर खोआ लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 200 ग्राम्स खोआ लिया। और उसके बाद इसमें इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर दें और थोड़ा सा क्योरा एसेंस डाल दें, क्योरा वाटर। और उसके बाद आपका मन हो तो फूड कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं नेचुरल कलर ही रखना चाहती हूँ खोए का। तो इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद इसको एक स्मॉल साइज़ की छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। तो देखिए, मैंने एकदम छोटे छोटे बॉल्स इस तरीके से मावे के बनाए हुए हैं। अब क्या करना है, जो कैरेट वाला जो मिक्सचर है उसको हाथ में लेना है और ये थोड़ा ज़्यादा लेंगे, मींस जो मैंने खोए का मिक्सचर लिया था उससे डबल से थोड़ा ज़्यादा ही मिक्सचर लेंगे। और उसके बाद उस बॉल को, मावे की बॉल को अंदर रख के और इसको स्टफ़ करके और इसके लड्डू का शेप दे देंगे। और इसे हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये लड्डू के शेप में आ जाए और थोड़ा सा सिक्योर हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल ये देखिए, राउंड शेप का ये लड्डू बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से, इसी सेम प्रोसेस से आप जितने लड्डू हैं उसको बना के एक प्लेट में रख दीजिए। तो फिर से लेना है हाथ में थोड़ा मिक्सचर, थोड़ा प्रेस करके स्पेस क्रिएट करें, मावे का लड्डू रख के ऊपर से थोड़ा सा और मिक्सचर डाल के इसको पैक कर दें। तो इस तरीके से सारे लड्डुओं को बना लेना है। तो ये मैंने बना लिया। अब क्या करना है, लेना है कोकोनट पाउडर, ये जो मैंने लिया था वो ले रही हूँ। और उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ऊपर स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। और आप चाहें तो इसे डायरेक्ट कोकोनट पाउडर में कोट कर सकते हैं, बट मैं ऊपर से सिर्फ डाल रही हूँ। थोड़ा डेलिकेट है ये, तो इसे इजीली आप डालना चाहें तो उसको ऊपर से ही डालें। और उसके बाद थोड़ा सा ये काजू बादाम और ये पिस्ता है, इसको ऊपर आप लगा के थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि इसमें ड्राई फ्रूट्स चिपक जाएँ गार्निशिंग के लिए। और उसके बाद जो पेपर कप्स होते हैं मिठाइयों के लिए या कप केक्स के लिए, वही मैंने लिए है। उसके बाद इसमें मैं इसको रख दे रही हूँ। तब आप देख सकते हैं गाजर के लड्डू इनके तैयार हो चुके हैं। बहुत इजी था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।